फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव एंटी एजिंग बनाना पील फेस मास्क बनाएंगे। सो इस फेस मास्क को हम केले के छिलके से बनाएंगे, जो कि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम्प्लीटली रिमूव करेगा, साथ ही आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल भी बनाएगा। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क पैचेस, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल फेस मास्क को बनाना शुरू करते हैं। बनाना पील फेस मास्क बनाने के लिए मैंने ये एक केले के छिलके ले लिए हैं। इन्हें मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके ले लिया है, ताकि इनके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये केले के छिलकों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने केले के छिलकों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल लेंगे और इसमें ये केले के छिलके के पेस्ट को अलग निकाल लेंगे। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और साथ ही हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर हमारी स्किन पर एज अ मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च हमारी स्किन पर से सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली दूर कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 चम्मच रोज वाटर यानी कि गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। इसमें कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा फेस मास्क बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब भी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस मास्क के बेसिस के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुल भी दिखाई देने लगेगी। आपके स्कार्स, एज स्पॉट्स, डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आप भी इस अमेजिंग फेस मास्क को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।